अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहली बात है कि अगर आपने अप्लाई सीरियस करना है पाकार में न्यू जॉब्स 24 तो फिर तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने क्लर्क में अप्लाई करना है, नर्सिंग में अप्लाई करना है, या आपने सोल्जर में अप्लाई करना है, या ड्राइवर में अप्लाई करना है, आपके पास पूरा सलेबस मैं शेयर करता हूँ और आज मैं आपके साथ सोल्जर का पेपर भी शेयर करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब तक आप सोल्जर का पेपर पास नहीं करते, आप क्लर्क में अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक आप सोल्जर का पेपर पास नहीं करते, आप नर्सिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी और सिंपल सी बात है, आप लोग सेंटरों में गए होंगे तो सबसे पहले आपको सोल्जर का टेस्ट, सोल्जर का पेपर आपको पास करना होगा। उसके बाद फर्दर फिर आपके ट्रेड के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो तो बाद में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूँ 24A का। पहले पहले आपको एक एसी लिखना होगा जिसके 10 नंबर होंगे, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक्स वहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको 10 ऐसे जुमले दिए जाएंगे जो 5 जुमले होंगे उर्दू के और 5 जुमले होंगे इंग्लिश के। इट मीन्स 5 जुमले आपके पास होंगे इंग्लिश में, आपने उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। 5 जुमले होंगे उर्दू को, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसकी आसान सा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अपने घर से आप जाएँ तो वहाँ पर कापी में आप लिखे 10 जुमले, 5 जुमले आप उर्दू में लिखें, 5 जुमले आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश वालों को उर्दू में कन्वर्ट करें और उर्दू वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, बस आपकी ये पोर्शन भी हो गया, ठीक है ना। तो फिर भी आपको समझ नहीं है, फिर कमेंट में लाजमी बताएं। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन के लिए 10 जुमले दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मेरा यहाँ से ताल्लुक है, हम इतने भाई हैं, हम इतने बहन भाई हैं, ठीक है ना, मेरे वालिद का ये नाम है, मेरे वालिद सब ये काम करते हैं, तो आप इसमें 10 जुमले बना दें, ठीक है ना। तो 4 तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कम्प्लीट होंगे। 5वां जो चीज़ आपका होगा वो होगा सिंगुलर एंड प्लुरल, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका पोर्शन होगा छठा, वो आप होगा करेक्ट आर्डर। करेक्ट आर्डर क्या होता है कि एक मीनिंग्स आपको दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसमें 4 में से इसकी मीनिंग्स जो है कि मतलब कौन से सही है। फॉर एग्जांपल वर्ड है WORD, तो वहाँ पर लिखा होगा WARD, WERD, WARD, तो वहाँ पर जो आपको करेक्ट लगेगा आपने उसके ऊपर क्लिक लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो 7वां दिया जाएगा वो दिया जाएगा फीमेलाइन एंड मास्कुलाइन, ठीक है ना, इसके भी 10 नंबर होंगे। उसके बाद आपको मैथ के कुछ सवाल दिए जाएंगे, लेकिन थोड़े होंगे, 2 सवाल होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे जिसके 10 नंबर होंगे। अभी पूरा पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पेपर किस तरह है, ठीक है ना। तो ये पेपर आप रीड भी करते जाएं, मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें पहला पहला जो आपको दिया जाएगा सवाल नंबर 1, जो अपनी शख्सियत पर 10 जुमले लिखे, जो मैंने आपको पहले कहा कि घर से जाएँ, याद करके जाएँ, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। घर से याद करके जाएँ, फिर वहाँ आपको आपको सोचना नहीं होगा, आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या होगा, राइट द सेंटेंस इन माई स्कूल, माई स्कूल के ऊपर आपने क्या लिखना है, कोई आपने सेंटेंस लिखने 10, मेरा स्कूल यहाँ पर है, मेरा स्कूल में इतने तक तालीम है, हायर एजुकेशन है, ठीक है ना, मिडिल तक है, जो भी है, इतने उसमें रूम है, इतने उसमें कमरे हैं, एक प्रिंसिपल का ऑफिस है, एक कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है, आपने 10 जुमले बना देने, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको दिया जाएगा वो आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, आपने ये उर्दू की होगी, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे सिंगुलर एंड प्लुरल, जो 5वां आपका पोर्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे, अल्लाह आपको नेकी दे, ये भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे मदर जजीर को दरुस्त, देखिए रफ्तार का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मतलब फुल स्क्रीन पर ला रहा हूँ इसको। अब तेज़ रफ्तार जो है इसका जो रफ्तार का जो इन्होंने यहाँ पर वो दिया हुआ है, तो वो गलत है, तो आपने इसको सही करना है, ठीक है ना। करीबी मजबूती है, ठीक है ना। मैंने आज अखबार पढ़े, अब देखिए इन्होंने ये जो अखबार लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है ना। तो ये मतलब आपने देख लेने, वहाँ पर सोच लेने और जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसमें से पुट कर देना। नीचे देंगे मुजक्कर के मुनस और मुनस के मुजक्कर बने, तो ये लड़का तो लड़की हो गई, बंदी तो बंदा हो गया, ठीक है ना। माली तो माली का क्या होगा, कबूतर है, अजीज़ है, जहीन है, बिल जो भी है आपने खुद सोच लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर पेपर को हल नहीं कर सकता। उसके बाद मैथ का पोर्शन भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इस तरह के आपको सवाल आएंगे, 10 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद गलत और सही आ जाएंगे, मतलब जिसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, ठीक है ना। ईरान का दर खिलाफा है। पाकिस्तान के वज़ीर दफाई का नाम बताएं, जो अभी इस वक्त है, ठीक है ना, इस वक्त पर आपने बता देना। अब पाकिस्तान के एड में खालिक सैजान का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ये तो मुझे याद है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, एसीबी में होती है, ठीक है ना। तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, बिल्कुल मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा वो है। दरियाई चिनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नहीं, दरियाई सिंध बड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान सुई गैस से मालूमान है, बिल्कुल सुई गैस पाकिस्तान में है, तो मेरे ख्याल से मालूमान है। केटो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, बिल्कुल ये भी सही है। मलेरिया या मच्छर से फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, बिल्कुल मच्छर से फैलता है। जाहिर है जब आपको मतलब डंके हो जाए तो फिर आपको उसका वायरस लग जाता है। तो इसी तरह के आप मतलब कोई आएंगे जुमले 10 मतलब 5 जुमले होंगे सही और 5 होंगे गलत, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इस तरह कोई इशू है तो इशू लाजमी बताया करें, कमेंट्स आपके साथ होते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए मैंने ऑन रखा हुआ है, आप एनी टाइम मतलब वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह मैं फ्री होता हूँ तो मैं कोशिश तो करता हूँ पूरी कि मैं वहाँ पर आपके साथ कमेंट्स में शेयर करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर लेट हो जाए तो फिर उसके लिए सॉरी।
तो आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल बगैर किसी झिझक के। तो चैनल पर पहली बार लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।